हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी द कॉन्जरिंग। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1971 में पेरोन फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होती है, जहां उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उस घर में आत्माओं का वास था। वो आत्माएं फैमिली को चोट पहुंचाने लगी। इन सब से तंग होकर पेरोन फैमिली एड और लॉरेन वॉरेन को अपनी मदद करने के लिए बुलाते हैं। एड और लॉरेन एक डिमोनटोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। ये लोग उस टाइम पर काफ़ी मशहूर थे क्योंकि इन्होंने काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाले केसेस को सॉल्व किया था। तो चलिए इस मूवी की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एड और लॉरेन वॉरेन को एक कॉन्फ्रेंस हॉल में दिखाया जाता है। हाल ही में इन्होंने कुछ पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किया होता है और उन्हीं केसेस के एक्सपीरियंस को उन लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पेरन फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। आदमी का नाम रॉजर पेरन और उनकी वाइफ कैरोलिन पेरन और इनकी 5 लड़कियां होती हैं, जिनका नाम एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल होता है। इन्होंने एक नया घर खरीदा होता है। ये लोग उस घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। सब लोग उस घर में आते हैं। रॉजर अपने डॉग सैडी को घर के अंदर लाने की कोशिश करता है। वो दरवाजे पर खड़ा होता है पर अंदर नहीं आता क्योंकि उसे कुछ अजीब एहसास होता है। पेरन फैमिली घर के सामान को अपनी अपनी जगह रख रहे होते हैं। वहीं उनकी छोटी बेटी अप्रैल को तालाब के पास एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को लेके घर में आ जाती है। रात को सारी लड़कियां हाइड एंड सीक खेल रही होती है। खेलने के दौरान नैन्सी से एक रूम की लकड़ी टूट जाती है। रॉजर वहां आकर उस टूटी लकड़ी को देखता है। जब वो उस लकड़ी को हटाता है, उसे एक बेसमेंट दिखता है। वो उस बेसमेंट को नीचे जाके चेक करता है। वहां उसे कुछ पुराना सामान दिखता है। कुछ देर बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। कैरोलिन खिड़की से सैडी को देखती है। वो ऊपर देखकर भौंक रहा होता है। वो रॉजर को बताती है कि सैडी यहाँ आने के बाद बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। अगली सुबह कैरोलिन जब उठती है तो वो अपने पैरों को देखती है क्योंकि उसके पैरों में एक अजीब नीला सा निशान पड़ा होता है। जब वो नीचे आती है, उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। घड़ी 3:07 पर रुकी होती है। किचन में वो रॉजर को बताती है कि घर की सभी घड़ियां 3:07 पर रुक गई हैं और मेरे पैरों पर ये अजीब सा नीला सा निशान पड़ गया है। रॉजर बताता है कि शायद सामान शिफ्ट करते वक्त ये घड़ियां रुक गई होंगी। अप्रैल सैडी को ढूंढने बाहर जाती है। वो सैडी को देखकर चिल्लाती है क्योंकि सैडी को किसी ने मार दिया होता है। रॉजर और कैरोलिन भागकर बाहर जाते हैं। वो ये सब देखकर हैरान होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एड लॉरेन के घर को दिखाया जाता है। उनके घर पर एक रिपोर्टर आया होता है। वो एड का इंटरव्यू लेता है। कुछ देर बाद एड उसे अपना घोस्ट म्यूजियम दिखाता है। उस म्यूजियम में सारी चीज़ें शापित होती हैं। वो उन चीज़ों को संभाल कर रखता है क्योंकि उसका मानना था कि अगर ये शापित चीज़ें बाहर रही तो लोगों को नुकसान पहुंचाएंगी। यहाँ म्यूजियम में ये चीज़ें सेफ हैं। रात होती है और हमें पेरेंट फैमिली को दिखाया जाता है। सब लोग सो रहे होते हैं। तभी घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती है। एक अजीब सा साया क्रिस्टीन और नैन्सी के कमरे की तरफ बढ़ता है। वो साया क्रिस्टीन के पैर को जोर से खींचता है। क्रिस्टीन नैन्सी को कहती है कि मेरा पैर मत खींचो। नैन्सी बोलती है कि मैंने ये नहीं किया। ये सब दोनों नींद में बोल रहे होते हैं। हॉल में रॉजर कुछ काम कर रहा होता है। वो काम करते करते ही चेयर पर बैठा सो जाता है। अचानक उसे जोर से ठक ठक की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल जाती है पर आवाज़ अभी भी आ रही होती है। वो सारे घर को चेक करता है पर जैसे ही वो ऊपर वाले रूम में जाता है, सीढ़ियों में उसे एंड्रिया खड़ी दिखती है। वो एंड्रिया को देखकर डर जाता है। एंड्रिया बताती है कि सिंडी नींद में चलकर उसके रूम में आ गई है और वो अलमीरा में अपना सर पटक रही है। रॉजर एंड्रिया के रूम में आता है। वो सिंडी को देखता है और उसे वहां से ले जाता है। अगली सुबह रॉजर अपने काम पर जा रहा होता है। जैसे ही वो घर के बाहर आता है, एक कबूतर उनके घर के पास उड़ रहा होता है। वो अचानक से खिड़की से टकराता है और तड़पता हुआ मर जाता है। रॉजर उस कबूतर को देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन और सिंडी भी स्कूल चले जाते हैं। कैरोलिन उन्हें बाहर छोड़ने आई होती है। जब वो घर में आती है, अप्रैल रूम में बैठकर किसी से बात कर रही होती है। कैरोलिन उसे देखती है और पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो। वो बताती है कि मैं रॉरी से बात कर रही हूँ। कैरोलिन को लगता है कि शायद अप्रैल मजाक कर रही है। कुछ देर बाद अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड सीख खेलने के लिए कहती है। कैरोलिन खेलने के लिए मान जाती है। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और अप्रैल को कहती है कि जब मैं तुम्हें क्लैप बजाने के लिए बोलूँ तो तुम क्लैप बजाना। अप्रैल जाकर कहीं छुप जाती है। वो अप्रैल को क्लैप बजाने को कहती है। अप्रैल क्लैप बजाती है। कैरोलिन क्लैप सुनकर एंड्रिया के रूम में चली जाती है। वहाँ एक अलमीरा होती है। अलमीरा अपने आप खुल जाती है। उसे लगता है कि शायद अप्रैल इसी अलमीरा में है। वो अप्रैल को दोबारा से क्लैप बजाने के लिए कहती है। अलमीरा के अंदर से दो हाथ निकलते हैं और वो हाथ अप्रैल की तरह क्लैप बजाते हैं। कैरोलिन अलमीरा की तरफ बढ़ती है। वहाँ उसे किसी की सांस की आवाज़ आती है।
वो आंखों से पट्टी हटाती है और अलमीरा के अंदर देखती है। वहां उसे कोई नहीं दिखता। अचानक से अप्रैल दूसरे रूम से निकलती है। कैरोलिन ये सब देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर अप्रैल वहां थी तो यहाँ कौन था। रात को सब सोने की तैयारी करते हैं। वही साया दोबारा से क्रिस्टीन और नैन्सी के रूम में आ जाता है। वो साया फिर से क्रिस्टीन का पैर खींचता है। क्रिस्टीन नींद में होती है। वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। अचानक से वो साया जोर से पैर खींचता है जिससे क्रिस्टीन उठ जाती है और डर जाती है। वो आसपास देखने लगती है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर उसे दरवाजे के पीछे कुछ दिखाई देता है। वो उस साये को देखकर डर जाती है। वो साया क्रिस्टीन को लगातार देख रहा होता है। वो नैन्सी को जगाती है और कहती है कि कोई दरवाजे के पीछे खड़ा होकर हमें देख रहा है। नैन्सी दरवाजे के पीछे जाकर देखती है। वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। क्रिस्टीन दरवाजे को बंद होता देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। रोजर और कैरोलिन क्रिस्टीन की चीख सुनकर उनके रूम की तरफ जाते हैं। वो उसके रूम के दरवाजे को खोलते हैं। क्रिस्टीन साय को देखकर बहुत ही डर चुकी होती है और बताती है कि दरवाजे के पीछे कोई मुझे घूर रहा था। हर रात उनके साथ कुछ न कुछ घटना घट रही थी, पर वो उन चीजों को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होते। कैरोलिन को अपने शरीर पर रोज एक नया निशान दिखता। उसे लगने लगा ये निशान शायद आयरन की कमी के कारण हो रहा है। वो उस चीज़ की दवाई खाने लगी। अगली रात को कैरोलिन अपने रूम में काम कर रही होती है, पर तभी रूम के बाहर कुछ आवाज़ आती है। उसे लगता है शायद ये बच्चे शोर मचा रहे हैं। वो बच्चों के रूम में जाकर देखती है, पर सब बच्चे सोए होते हैं। अचानक सीढ़ियों से कोई गुजरता है और सारी दीवार पर लगी हुई तस्वीरें अपने आप नीचे गिरने लगती हैं। कैरोलिन नीचे जाकर देखती है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। वो बेसमेंट की तरफ जाती है। बेसमेंट का दरवाजा खुला होता है। जैसे ही वो उस दरवाजे को बंद करती है, पर उसके दरवाजे बंद करने से पहले ही अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजे से टकराकर नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। नीचे गिरने के कारण उसे थोड़ी चोट लग जाती है। वो फिर आसपास देखने लगती है। वहां उसे कोई नहीं दिखता। अचानक से एक बॉल उछलकर कैरोलिन की तरफ आती है। वो उस बॉल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर डर जाती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। वहां लगा एक बल्ब भी अपने आप ही फट जाता है। उसके पास एक माचिस होती है। वो उस माचिस को जलाती है। अचानक से उसके सर के साइड से एक हाथ निकलते हैं और वो क्लैप करते हैं। वो उस क्लैप को सुनकर डर जाती है और बेसमेंट के बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, पर दरवाजा बाहर से लॉक होता है। वो जोर से चिल्लाती है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रिया के रूम में सिंडी नींद में चलकर आती है और एलमीरा में अपना सर पटकने लगती है। सिंडी के रूम में सर पटकने की आवाज से एंड्रिया की नींद खुल जाती है। वो उसे अलमीरा की तरफ से हटाकर अपने बेड पर सुला देती है, पर थोड़ी देर बाद अलमीरा से अपने आप ही ठक ठक की आवाज़ आने लगती है। एंड्रिया पीछे मुड़कर देखती है और अलमीरा की तरफ बढ़ती है। वो उस अलमीरा को खोलती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। सिंडी की भी नींद खुल जाती है। उसे अलमीरा के ऊपर कुछ दिखता है। एंड्रिया सिंडी को देखती है क्योंकि सिंडी ऊपर अलमीरा की तरफ देख रही होती है। वो भी अब पीछे मुड़कर अलमीरा के ऊपर देखने लगती है। वहाँ उसे एक आत्मा दिखती है। वो आत्मा एंड्रिया के ऊपर कूद जाती है। एंड्रिया जोर से चिल्लाने लगती है। पेरेंट फैमिली के सारे मेंबर्स डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तभी रोजर काम से वापस आ रहा होता है। उसे अपने फैमिली की चीख सुनाई देती है। वो उस चीख को सुनकर उनकी तरफ दौड़ता है। वो घर के अंदर जाता है और सब डरे हुए होते हैं। वो उन सब से पूछता है कि यहाँ सब क्या हो रहा है। अगले दिन एड और लॉरेन एक यूनिवर्सिटी में अपने पैरानॉर्मल केसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं कैरोलिन भी बैठी होती है। लेक्चर खत्म होने के बाद एड और लॉरेन अपने घर जा रहे होते हैं। कैरोलिन उनके पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। वो बताती है कि उसके घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। एड उसकी बात को टाल देता है, पर कैरोलिन उसे फोर्स करती है कि वो उसके घर को एक बार आकर चेक करें। एड और लॉरेन उनके घर में आने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन दोनों पेरेंट फैमिली के घर आते हैं। कैरोलिन उनसे अपनी बेटियों को इंट्रोड्यूस करवाती है। लॉरेन को यहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है। रोजर और कैरोलिन हर एक घटना बताते हैं जो उनके साथ घटी हुई होती है। एड रोजर से पूछता है कि अगर आपको यहाँ कुछ अजीब लग रहा था तो आपने यह घर छोड़ा क्यों नहीं। रोजर बताता है कि हमने इस घर को खरीदने में सारे पैसे लगा दिए हैं, अभी हमारे पास कुछ नहीं बचा। कुछ देर बाद एड रोजर और कैरोलिन का इंटरव्यू लेता है। वो उस इंटरव्यू में उनके साथ घटी हुई घटना के बारे में बताने के लिए कहता है। दूसरे रूम में अप्रैल और लॉरेन बैठे होते हैं। लॉरेन अप्रैल से उसके दोस्त लॉरी के बारे में पूछती है। अप्रैल लॉरेन को एक म्यूजिक बॉक्स देती है। वो उस बॉक्स के मिरर को ध्यान से देखती है। कुछ देर बाद मिरर में उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है, वहां कोई नहीं होता। फिर वो घर के बाहर जाकर एक तालाब के पास खड़ी हो जाती है। एड भी वहां उसके पास आ जाता है। लॉरेन को एक अजीब सी आवाज आती है।
जब वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ उसे एक पेड़ पर लटकी हुई आत्मा दिखाई देती है। वो उस लटकी हुई आत्मा को देखकर डर जाती है। एड उसे संभालता है। एड और लॉरेन रॉजर को बताते हैं कि आपके घर में एक बुरा साया है। और हमें इस घर पर एक्सोर्सिज्म करवाना पड़ेगा। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है झाड़फूंक। ये एक बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए काम आता है। पेरोलिन कहती है कि हम इस घर को छोड़कर दूर चले जाएंगे। लॉरेन बताती है कि ये घर छोड़ने के बाद भी वो आत्मा आप लोगों को नहीं छोड़ेगी, वो आप पर हावी होना चाहती है। एड और लॉरेन अपने घर आते हैं और उस केस पर काम करने लगते हैं। लॉरेन को कुछ प्रूफ मिलते हैं। वो एड को इस घर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। वो बताती है कि ये घर 1863 में बना था और इस घर को बनाने वाले का नाम जेटसन शर्मन था। उसने एक औरत से शादी की जिसका नाम बाथशीबा था। शादी के बाद उन्हें एक बच्चा हुआ। वो बच्चा सिर्फ एक हफ्ते का था। बाथशीबा ने उसकी बलि चढ़ा दी और घर के बाहर आकर उसने पेड़ पर खुद को फांसी लगा ली और वो सुबह 3:07 पर मरी थी। अगले दिन एड और लॉरेन और ड्रिव, जो कि इनका असिस्टेंट है, और ब्रैड, एक पुलिस ऑफिसर, ये सब लोग पैरन फैमिली के घर जाते हैं। घर में जाने के बाद ये लोग हर जगह कैमरास और बेल को लगा देते हैं, क्योंकि ये लोग प्रूफ इकट्ठा करना चाहते थे ताकि इस घर पर ये लोग एक्सोर्सिज्म करवा सके। रात को वो कैमरा से हर रूम में जाकर रिकॉर्ड करते हैं, पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। सुबह सब लोग इकट्ठा होकर खाना खाते हैं। सब लोग खुश होते हैं। एड और लॉरेन बाहर बातें कर रहे होते हैं। एड को कुछ काम याद आता है। वो घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वहाँ तूफान आ जाता है। लॉरेन वहाँ तार पर टंगे कपड़ों को इकट्ठा करने लगती है, पर एक कपड़ा खुद ब खुद उड़ जाता है। उसके सामने उस कपड़े से इंसान के आकार जैसा कुछ बन जाता है। वो कपड़ा ऊपर उड़कर एक खिड़की को ढक लेता है। लॉरेन जब उस खिड़की को देखती है, वहाँ उसे बाथशीबा की आत्मा दिखती है। वो भागती हुई ऊपर जाती है। ऊपर वाले कमरे में कैरोलिन सोई होती है। बाथशीबा की आत्मा उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। कैरोलिन बाथशीबा को देखती है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पाती। बाथशीबा कैरोलिन के मुंह में वोमिट कर देती है। वोमिट के कारण बाथशीबा अब पूरी तरह कैरोलिन के शरीर को अपने काबू में कर लेती है। लॉरेन कैरोलिन का दरवाजा खटखटाती है। जब कैरोलिन अपना दरवाजा खोलती है तो वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रही होती है। रात को सब अपना काम करने लगते हैं। ब्रैड किचन में कॉफी लेने जाता है। वो बाहर एक चेयर को हिलता देखता है। वो बाहर जाकर चेक करता है, वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। जब वो अंदर आता है तब उसे एक आत्मा दिखती है। वो आत्मा की तरफ जाता है। अचानक से वो आत्मा ब्रैड पर हमला कर देती है। ब्रैड आत्मा को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चिल्लाने लगता है। ब्रैड को चिल्लाता हुआ देखकर सब उसकी तरफ आते हैं। एड और लॉरेन आसपास देखते हैं, पर वहाँ ब्रैड के अलावा कोई नहीं होता। अचानक से एक कैमरा फोटो क्लिक करने लगता है। सब बाहर जाते हैं। वहाँ सिंडी नींद में चल रही होती है। वो समझ जाते हैं कि सिंडी के साथ कोई है। वो सिंडी के पीछे जाते हैं। सिंडी एक रूम में जाती है। उस रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। सब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो दरवाजा खुलता नहीं है। बाद में उन्हें दरवाजा तोड़ना पड़ता है। रूम में आने के बाद वो सब सिंडी को ढूंढते हैं, पर वहाँ उन्हें सिंडी नहीं मिलती। एड ब्रैड से यूवी लाइट मांगता है। ब्रैड यूवी लाइट को लाता है। वो उस लाइट से सिंडी के फुटप्रिंट्स को देखते हैं। वो फुटप्रिंट्स अलमीरा में गए होते हैं। अलमीरा के अंदर फुटप्रिंट्स दिखते हैं, पर वो चारों तरफ से बंद होती है। फिर उन्हें पता चलता है कि शायद सिंडी अलमीरा के पीछे होगी। वो उसे अलमीरा के पीछे ढूंढ लेते हैं और उसे ले जाते हैं। अप्रैल बताती है कि रोरी भी यहीं छुपता है। दरअसल रोरी एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है और वो आत्मा सिर्फ अप्रैल को दिखती है। लॉरेन को शक होता है। वो अलमीरा के पीछे जाती है। वहाँ उसे एक छोटी सी सुरंग दिखती है। वो उस सुरंग में जाती है। सुरंग में उसे बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, पर जैसे ही लॉरेन खड़ी होती है, उसके पैर के नीचे की एक लकड़ी टूटती है और वो नीचे गिर जाती है। एड उसे ढूंढने लगता है। लॉरेन बेसमेंट में जाकर गिरती है। उसके पास अप्रैल का म्यूजिक बॉक्स होता है। वो उस बॉक्स के मिरर से आत्मा को ढूंढने लगती है। उसे आत्मा दिखती भी है, पर आत्मा अचानक से गायब हो जाती है। वो बेसमेंट के बाहर आती है, पर उसका लॉकेट वहीं छूट जाता है। लॉरेन बाहर आकर बताती है कि वो आत्मा लोगों को वश में करके उनके बच्चों को मार देती है। तभी वहाँ बाथशीबा की आत्मा नैन्सी पर हमला करती है, पर एड उसे बचा लेता है। ड्रिव इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। वो उस वीडियो और फोटोज को लेके चर्च में फादर गॉर्डन को देने की बात करते हैं, क्योंकि फादर उस प्रूफ को देखकर ही आगे की प्रक्रिया करते हैं। सब लोग डरे हुए होते हैं। लॉरेन को वहाँ अजीब से भ्रम होने लगते हैं। ये भ्रम बाथशीबा पैदा कर रही होती है। सब लोग उस घर को छोड़कर कुछ टाइम के लिए एक न्यू घर में चले जाते हैं। एड और लॉरेन वीडियो क्लिप्स और प्रूफ को लेके फादर गॉर्डन के पास आ जाते हैं। फादर उन फोटोज को देखकर हैरान होते हैं। साथ में वो बताते हैं कि ये लोग चर्च के मेंबर नहीं हैं और इनके ऊपर एक्सोसिज्म करने के लिए वेटिकन से परमिशन लेनी
करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एड और लॉरिन की बेटी को दिखाया जाता है, वो सोई हुई होती है। उसकी नींद खुलती है और वो बाहर जाकर अपनी मम्मी पापा को ढूंढने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। हॉल में एक चेयर के ऊपर बाथशीबा एक डॉल को लेकर बैठी होती है। जूडी उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजा बंद होता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा खुलता नहीं। एड और लॉरिन भी वहाँ आ जाते हैं। वो हॉल का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, अचानक से उनके ऊपर एक चेयर उड़कर आती है। ज्यूडी बताती है कि मैंने यहाँ एक औरत और एक डॉल को देखा था। तभी रॉजर उन्हें फोन करता है और बताता है कि कैरोलिन तीनों लड़कियों को लेके उसी घर में चली गई है। एड और लॉरिन भी कैरोलिन के पीछे उसी घर में चले जाते हैं। कैरोलिन क्रिस्टीन को बेसमेंट में मारने की कोशिश कर रही होती है, पर वहाँ एड और रॉजर क्रिस्टी को बचा लेते हैं। साथ में वो कैरोलिन को बाहर लाते हैं। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचती है, बाथशीबा कैरोलिन के शरीर पर घाव डाल देती है। वो उसे बाहर जाने नहीं देती। वो कैरोलिन को अंदर खींच लेती है और दोबारा से बेसमेंट में ले जाती है। एड कैरोलिन को एक सफेद कपड़े में बांध देता है और वो उस पर खुद ही एक्सोसिज्म की प्रक्रिया करने लगता है। एक्सोसिज्म से बाथशीबा को तकलीफ होने लगती है। वो फिर कैरोलिन को तकलीफ देने लगती है। वो उस जगह से भागने की कोशिश करती है, पर रॉजर ने उसके शरीर को पकड़ा होता है। कैरोलिन कैसे न कैसे करके रॉजर से अपने आप को छुड़ा लेती है और वो अप्रैल को मारने के लिए भागती है, पर लॉरेन उसके सर पर हाथ रखती है और वो उसको उसकी अच्छी यादें दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम उसे खुद पर हावी मत होने दो। कैसे न कैसे करके कैरोलिन बाथशीबा को अपने ऊपर हावी करने से रोकती है। बाथशीबा उसके शरीर से निकल जाती है और कैरोलिन दोबारा से ठीक हो जाती है, और तब तक सुबह भी हो चुकी होती है। सब उस घर से बाहर आते हैं। पेरेंट फैमिली को उस आत्मा से छुटकारा मिल चुका था और फिर से वो एक हस्ती खेलती फैमिली बन जाती है। एड और लॉरेन भी अपने घर आ जाते हैं और उस घोस्ट म्यूजियम में वही म्यूजिक बॉक्स रख देते हैं। मूवी के एंड में हमें असली पेरेंट फैमिली को दिखाते हैं और उनके घर को भी दिखाते हैं। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट $20 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस में $319.5 मिलियन की कमाई की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।